सभी को नमस्कार। श्रीमती कुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार चांगिड़ सहायक आचार्य चित्रकला सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के अंतर्गत प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का समय, इसके उद्गम और इसके साथ प्रागैतिहासिक काल का विभाजन एवं प्रमुख स्थानों के अध्ययन में हमने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम मध्य प्रदेश के दूसरे प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है और इस पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनमें 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि भारत में एकमात्र भीमबेटका ही ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफा चित्रों को शैल चित्र भी बोलते हैं। इसकी खोज का श्रेय प्रोफेसर V.S. वाकणकर को दिया जाता है और यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो दो स्तरों में प्राप्त हुए हैं, अर्थात चित्रों के दो स्तर हैं, क्योंकि जो चित्रों का समय है वो 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा जो है आदिम स्थिति में था। धीरे धीरे वह जैसे पशुओं के साथ में अंतरंग संबंध जो है स्थापित करता गया, मित्रवत व्यवहार करता गया, तो वह पशुपालन करने लग गया, खेती करने लग गया और चरवाहे के रूप में जो है ग्वाले के रूप में अपने आप को चित्रित करने लग गया था। तो देखते हैं कि दो स्तर के चित्रों में कौन कौन से चित्र हैं, किस प्रकार के चित्र हैं। पहले स्तर के चित्र में शिकार के चित्र, नृत्य के चित्र, हिरण, बारह सिंगा, सुअर, भालू, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी व अस्त्रधारी घुड़सवार इत्यादि जो चित्र हैं वो पहले स्तर के चित्रों में प्राप्त हुए हैं। ये उसकी आदिम स्थिति थी। दूसरे स्तर के चित्र में थोड़ा उसकी स्थिति में सुधार आया। मानवों को पशुओं के साथ में अंतरंग मित्र के रूप में चित्रित किया जाने लगा, साथ ही आखेटक, कृषक व ग्वाले आदि रूपों में भी उसको चित्रित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीमबेटका गुफा में चित्र अधिकतर लाल रंग से बने हैं। देखते हैं भीमबेटका गुफा और यहाँ के प्रमुख चित्रों को। यह है भीमबेटका गुफा। आप देख सकते हैं कि एक जो गुफा जो है सुरंग नुमा आकृति होती है और इसके अंदर भी और भी अनेक गुफाएं हैं और इन गुफाओं में जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं गुफाओं में कोई पलस्तर नहीं है, बस चट्टानी गुफाएं हैं। यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक रूप से एक पत्थर है जो थोड़ा बहुत समतल है जिसके ऊपर ये चित्र बना है, जिसका शीर्षक है शस्त्रधारी घुड़सवार। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो अनेकों आकृतियाँ चित्रित है उनमें घोड़े और आदि मानव है और आदि मानव जो है वो घोड़ों पर विराजमान है और अपने हाथों में उन्होंने कुछ न कुछ जो शस्त्र है वो धारण कर रखा है। कुछ मनुष्य जो है वो पैदल भी है लेकिन अधिकांशतः आकृतियाँ घोड़ों पर सवार है, इसलिए इस चित्र का नाम दे दिया गया शस्त्रधारी घुड़सवार। घोड़ों की आकृति आप देख सकते हैं।
ज्यामितीय रूपों में इनका चित्रण हुआ है और अधिकांश जो है रेखा चित्र ही बने हैं। यहाँ पर यह चित्र आप देख सकते हैं जो मेसोलिथिक डांसर्स का है, अर्थात मध्य पाषाणकालीन चित्र है जो नृत्य का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मानव आकृतियाँ समूह के रूप में नृत्य कर रही है, तो कोई एक एक या फिर दो एक के समूह के रूप में चित्रित है। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं पांच आकृतियाँ जो है समूह के रूप में चित्रित है, फिर ऊपर जो है एक एक जो है चित्रित है। इस प्रकार से यह चित्र नृत्य की मुद्रा को प्रदर्शित करता है। अगला यह चित्र यह भी भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। यह चित्र जो है घुड़सवारों का है, जैसा कि पहले भी एक और चित्र आया था ऐसा ही यह भी चित्र है। घुड़सवारों ने जो है अपने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं। यह प्रस्तुत चित्र सुअर के आखेट का है, आखेट मतलब शिकार का है। आदि मानव जो है सुअर का शिकार कर रहे हैं। शिकार कैसे कर रहे हैं, चारों तरफ से जो है सुअर को घेर करके शिकार कर रहे हैं। चित्र में थोड़ा मैं आपको समझा दूं, यह जो है आकृति, ये दो आकृति है आदि मानव की, यहाँ पर भी आदि मानव बना है, यहाँ भी बना है और यहाँ भी बना है, और जो सुअर की आकृति है ये सुअर की आकृति है, ये सुअर के सींग है, बाकी सुअर का सिर है। इस प्रकार से ये सुअर की आकृति है और आदि मानव जो है चारों तरफ इसको घेरे हुए है और इसका शिकार कर रहे हैं। ऐसी प्लानिंग के चित्र जो है इन गुफाओं के चट्टानों पर बने हैं। ये तो थे संपूर्ण चित्र और सबको जो मैंने बताया आपको भीमबेटका के संबंध में। अब हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में मंदसौर का। मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर लगभग 30 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है और इन गुफाओं में भी कुछ चित्र जो मिले हैं वो दो प्रकार के चित्र मिले हैं, जिनमें नर्तरत मानव, पशुओं को हांकते ग्वाले, देहाती बांस की गाड़ियां। इसी के साथ ही अन्य चित्रों में प्रतीकात्मक चिन्हों के चित्र भी मिले हैं जो मानव के श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक चिन्हों के रूप में गिने जाते हैं, जिनमें स्वास्तिक चक्र, सूर्य, अष्टदल, कमल इत्यादि प्रतीक चित्र मिले हैं। मंदसौर के बाद प्रमुख क्षेत्र है होशंगाबाद। होशंगाबाद क्षेत्र भी पंचमढ़ी के समान नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। यह नगर पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर आदमगढ़ नामक पहाड़ी पर आदिमकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं प्राप्त हुई है। यहाँ की जो पहाड़ी है उसका नाम है आदमगढ़। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पंचमढ़ी जो है वो महादेव पर्वत श्रृंखलाओं में 5 मील के घेरे में, वहाँ पर 50 शिलाश्रय प्राप्त हुए थे और यहाँ जो गुफाएं हैं वो आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। स्थान है होशंगाबाद और पहाड़ी का नाम आदमगढ़ है और नर्मदा नदी के किनारे ये गुफाएं जो है ये पहाड़ी स्थित है। इन गुफाओं में अनेक चित्र अंकित हैं, जिनमें भैंसा, हाथी, घोड़ा, जिराफ समूह है, घुड़सवार, अस्त्र शस्त्रधारी, शिकारी, छलांग लगाते 12 सिंघा तथा एक दृश्य जिसमें एक हाथी पर चढ़े हुए आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। कुछ आखेटक हैं वो जंगली भैंसे का शिकार कर रहे हैं और वो स्वयं जो है वो हाथी के ऊपर चढ़ करके शिकार कर रहे हैं।
और यहाँ पर कुछ आखेटकों को घोड़ों पर सवार और कुछ को पैदल भी दिखाया है। यहाँ पर क्षेपांकन पद्धति के प्रयोग से भी चित्र बने हैं। क्षेपांकन पद्धति, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, हाथ की छापों के चित्र प्राप्त हुए हैं। छापा चित्र जो पद्धति है उसको यहाँ पे काम में लिया गया है। आप देख सकते हैं जो आदि मानव है वो चट्टानी गुफाओं की दीवारों के ऊपर अपने हाथों को रखते थे, फिर जानवरों की हड्डियों में रंग भर के जोर से फूंक मारते थे उस हाथ के ऊपर, और फिर जब हाथ को हटाते थे तो हाथ के आसपास जो खाली क्षेत्र है वहाँ पे रंग लग जाता था और ये चित्र उभर कर सामने आते थे। तो एक तरह से जो छापा चित्रण पद्धति है उसको क्षेपांकन पद्धति का नाम दिया गया है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे होशंगाबाद के पश्चात पहाड़गढ़ क्षेत्र की गुफाओं का। पहाड़गढ़ यहाँ पर ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट, जो पहाड़गढ़ है वो मोरेना जिले में शामिल है, पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर। मैंने अधिकतर आपको जो भी क्षेत्र बताए हैं वो या तो किसी पहाड़ी में और उसके साथ में नदी के किनारे स्थित बताए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, क्योंकि जो आदि मानव जो रहता था वो खुले आसमान के नीचे रहता था, लेकिन फिर वह देखने लग गया कि कौन सा स्थान उसके लिए उपयुक्त होगा, तो वह नदी को चुनता था और नदी के साथ में आसपास वनस्पति और फिर आसपास में बहुत सी गुफाएं भी वह चुनता था रहने के लिए, और वह पहाड़ियों में जो बनी हुई जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उनमें रहने लग गया था और वहीं पर वह पशुओं का शिकार करता था। तो नदियां तो प्रमुखतः होगी ही और पहाड़ियां भी होगी और आसपास में वनस्पति और ये संपूर्ण जो परिवेश है उसके लिए उपयुक्त होगा। ये जो गुफाएं है वो आसान नदी के तट पर 1.5 किलोमीटर की विस्तृत घाटी में ये क्षेत्र स्थित है और यहाँ पर कई चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। पर इन गुफाओं में मधुमक्खियों के छत्ते, शिकारी पैदल, हाथी व घोड़े पर शिकार करते हुए चित्र अंकित है और शिकारियों के हाथों में तीर, कमान और भाले हैं। मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में आदमगढ़, साथ ही रायगढ़ और रायगढ़ की बोंतलादा की विशाल गुफाएं प्रसिद्ध है। इसके साथ रायसेन, ग्वालियर, रीवा, छतरपुर आदि स्थानों पर भी पाषाणकालीन चित्र देखे गए हैं। तो ये तो थी मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं एवं वहां से प्राप्त प्रमुख चित्र। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख गुफा चित्रों का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।